प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम BA पार्ट 3 के सिलेबस में से निशस्त्रीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों, शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगना तथा जो उपलब्ध विनाशकारी हथियार हैं उनको नष्ट करना। शस्त्र नियंत्रण की दिशा में विभिन्न राष्ट्र प्रेरित होकर अपने शस्त्र भंडारों में जो कमी कर रहे हैं तथा अपने सैनिक व्यय में जो कमी ला रहे हैं, ये सभी प्रयास निशस्त्रीकरण के अंतर्गत ही आते हैं। निशस्त्रीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। निशस्त्रीकरण से हथियारों की सीमा निर्धारित करने और उन पर नियंत्रण करने की ध्वनि निकलती है। निशस्त्रीकरण का लक्ष्य आवश्यक रूप से निशस्त्र कर देना नहीं है, वरन जो उपलब्ध हथियार हैं उनके प्रभाव को घटा देना है। निशस्त्रीकरण की दिशा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक प्रयास किए गए। उन्हीं में से कुछ की गई संधियों के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। तो पहली है 1963 की आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि। 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ। 25 जुलाई 1963 को इन तीनों देशों ने एक सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाहरी आकाश, समुद्र और वायुमंडल में अणु परीक्षण पर रोक लगा दी गई। फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। चीन इसका विरोधी था और भारत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी था। इस संधि में निम्नांकित 5 धाराएं थीं। पहली धारा में 3 राष्ट्रों द्वारा यह संकल्प किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायुमंडल में तथा इसकी सीमाओं में, बाहरी अंतरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा महासमुद्रों में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे। दूसरी धारा में संशोधन की व्यवस्था है। संधि में संशोधन का प्रस्ताव किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में से 1/3 राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में हों तो संशोधन पर विचार किया जा सकता है। तीसरी धारा के अनुसार इस संधि पर कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता है। यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इस संधि पर अपनी संसद या राष्ट्रीय परिषद का समर्थन प्राप्त करेगा और ऐसे समर्थन को रूस, अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन के पास जमा कराना पड़ेगा। चौथी धारा में लिखा गया है कि यह संधि असीमित काल के लिए है। यद्यपि हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार होगा कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस समय स्वयं को इस संधि के बंधनों से मुक्त कर ले जब वह यह अनुभव करे कि इसमें उसके देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय हित संकट में पड़ गया है, तथापि हटने वाले राष्ट्र को 3 महीने पूर्व इसका नोटिस देना होगा। पांचवी धारा के अनुसार इस संधि के अंग्रेजी व रूसी भाषा के दोनों रूप समान रूप से प्रामाणिक समझे जाएंगे। आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि का स्वागत करते हुए इसे स्थायी शांति और निःशस्त्रीकरण की दिशा में पहला कदम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया मार्ग और अरुणोदय
और मेल मिलाप की प्रतिज्ञा और एक अधिक सौम्य भविष्य की आशा कहा गया। परंतु इस संधि से परमाणु परीक्षणों से संबंधित सब समस्याएं, विशेष रूप से परमाणु अस्त्रों को लक्ष्य पर पहुंचाने के साधनों, प्रक्षेपास्त्रों को त्रुटिहीन बनाने और रूढ़ हथियारों से संबंधित सब समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। यह न तो भूमिगत विस्फोटों पर रोक लगाती है और न ही परमाणु हथियारों के उत्पादन को बंद करती है। इसके अतिरिक्त यह परमाणु शक्तियों को अपने हथियार अपने मित्र राष्ट्रों को देने से भी नहीं रोकती। वस्तुतः भूगर्भ परीक्षण को पकड़ने का कोई उचित तरीका नहीं होने के कारण इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ख्रुश्चेव ने इसे एक अच्छी शुरुआत और युगांतरकारी घटना कहा था। 27 जुलाई 1965 को जेनेवा में निशस्त्रीकरण आयोग की बैठक बुलाई गई। इस सम्मेलन में अपने कार्यों को, जो उसने अब तक किए थे, इसकी रिपोर्ट पेश की। दोनों गुट अर्थात सोवियत संघ वाला साम्यवादी गुट तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकतांत्रिक गुट, दोनों गुटों की ओर से ऐसे भाषण हुए जिन्होंने सम्मेलन के भाग्य का पहले ही फैसला कर दिया। अणु हथियारों के नियंत्रण के तरीकों के संबंध में दोनों पक्षों में स्पष्ट रूप से मतभेद थे। अगली संधि है बाह्य आकाश संधि, जो कि 1966 में की गई। इंग्लिश में से आउटर स्पेस ट्रीटी भी कहा जाता है। बाह्य आकाश संधि की संधि शांति की दिशा में एक रचनात्मक संधि है। इस संधि द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने बाहरी आकाश में न्यूक्लियर शस्त्रों का भेजा जाना निषिद्ध मान लिया। अगली संधि है अणु अप्रसार संधि, जो कि 1968 में की गई। सन 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण का प्रस्ताव पास किया। इसे इंग्लिश में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी भी कहा जाता है। संघ के 112 सदस्यों में से 110 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अल्बानिया ने प्रस्ताव का विरोध किया और क्यूबा इसमें तटस्थ रहा। इस संधि की मुख्य धाराएं निम्नलिखित हैं। परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। दूसरा, परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने की सहायता नहीं देंगे। परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है, वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। इस संधि को 1963 की परमाणु निषेध संधि के उपरांत निशस्त्रीकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम कहा गया। इस संधि को यद्यपि अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, परंतु यह संधि निशस्त्रीकरण का कोई वास्तविक हल प्रस्तुत नहीं करती। यह संधि भी भूमिगत न्यूक्लियर परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। परमाणु राज्यों द्वारा नए न्यूक्लियर अस्त्रों के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाती, न ही परमाणु राज्यों के न्यूक्लियर अनुसंधान कार्यक्रम पर किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण या निरीक्षण की व्यवस्था करती है। इस प्रकार कोई परमाणु राज्य एक शक्तिहीन राज्य पर आक्रमण करे तो किसी बाध्यकारी प्रतिक्रिया की व्यवस्था या संधि नहीं करती है। राज्य असैनिक उपयोग के नाम पर परमाणु अनुसंधान करेंगे, उनका सैनिक उपयोग नहीं कर सकते। राज्य असैनिक उपयोग के नाम पर जो परमाणु अनुसंधान करेंगे, उसका सैनिक उपयोग नहीं करेंगे, इसकी कोई प्रत्याभूति भी नहीं है। 1968 में
अणु अप्रसार संधि को जब महासभा के समक्ष रखा तो भारतीय प्रतिनिधि ने इसका विरोध करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण के सिद्धांत के प्रतिकूल माना था, क्योंकि विश्व शांति को परमाणु विहीन राज्यों में परमाणु अस्त्रों के प्रसार से ही खतरा नहीं है, बल्कि परमाणु राज्यों के पास अणु आयुधों के बने रहने से भी उतना ही वास्तविक खतरा है। वास्तव में यह संधि बहुत ही भेदमूलक दृष्टि पर आधारित है, भेदभावपूर्ण है, जो कि परमाणु संपन्न और परमाणु विहीन राज्यों के वर्तमान विभाजन को निरंतर बनाए रखना चाहती है। यह संधि उन देशों के लिए अहितकर मानी गई जो न्यूक्लियर शस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। भारत के साथ पश्चिम जर्मनी, इटली, संयुक्त अरब गणराज्य, रोमानिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नाइजीरिया ने भी इनका विरोध किया और इन्हीं कारणों के कारण किया। जापान ने मांग की कि परमाणु राज्य यह आश्वासन दें कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के विरुद्ध यह देश परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पेन ने भी इसे सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्रों पर एकाधिकार का प्रयत्न बताया। इस संधि से एक मुख्य लाभ केवल इतना ही है कि सोवियत संघ और अमेरिका अपने गुट के देशों को परमाणु शस्त्र नहीं देंगे। अगली संधि है न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 1971, न्यूक्लियर फ्री सी बैड ट्रीटी। 11 फरवरी 1971 को सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि पर मॉस्को, लंदन और वॉशिंगटन में हस्ताक्षर किए। उसी दिन 64 अन्य देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य की महासभा ने इसे 7 दिसंबर 1970 को स्वीकृत किया था। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश के प्रादेशिक समुद्र के 19 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर समुद्र तल और महासमुद्र तल पर न्यूक्लियर अस्त्र और भयानक विनाश के अन्य परमाणु अस्त्र नहीं बिछाए जाएंगे। अगली क्लास में स्टार्ट, सॉल्ट और सीटीबीटी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।